यू नो मेरे को लेक्चर देने लगा लिमिटेशंस ऑफ हिजाब के ऊपर. एंड इट्स सो कॉल्ड वाइफ माय अम्मा शी थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. चलो आई एम टेलिंग यू ना कम्युनिस्ट आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स. एंड टेल योर फादर यू डोंट यू नो. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज हम लोग जा रहे हैं धनबाद और जाके देखेंगे हमारा ऑल आर एन एवरेट केरला स्टोरी मूवी देखने जा रहे हैं प्रभासन मॉल में. जाके देखते हैं आज हम लोग पहली बार जाएंगे प्रभासन मॉल में क्योंकि ये हाल फिलहाल ही मॉल खुला है तो उसके बाद से हम लोग बहुत दिन से कभी गए नहीं प्रभासन मॉल में. इसके पहले हम लोग हमेशा जाते थे आइनॉक्स में जो सराय ढेला में है ओजोन गैलेरिया में. तो इस बार हम लोग ओजोन गैलेरिया नहीं जा रहे हैं. इस बार हम लोग जा रहे हैं प्रभासन मॉल में और बाइक बाइक जाएंगे. अब जाते हैं देखते हैं सफर में और अपना दोस्त लोग से मिलते हैं और वीडियो में कंटिन्यू रहिए आपको मज़ा आएगा. अब हम लोग यहाँ रुक गए हैं नाश्ता के लिए. सोच रहे हैं कि नाश्ता कुछ कर लेते हैं क्योंकि भूखे हैं. अब यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे और एक जन आ ही रहा है. तीन जन चलेंगे साथ ही साथ ही. यहाँ पर लेट हो रहा है हमारा तीसरा बंदा आ गया है. कंफर्म हो गया है. अब हम लोग जा रहे हैं. तीन टिकट 10-20 का ठीक है. ठीक है भाई रिलेटेड है साथ में जो रहेंगे 18 प्लस होने चाहिए. ठीक है ठीक है ठीक है. पहली बार आए हैं प्रभासन मॉल में मूवी देखने के लिए. इसके पहले कभी आए नहीं थे प्रभासन मॉल में मूवी देखने के लिए. देखते हैं यहाँ का होम थिएटर और स्पीकर और कैसा है फीलिंग कैसे लगता है बेस कैसे सब साउंड सिस्टम भी चेक कर रहे थे क्योंकि इसके पहले जब भी जाते थे ओजोन गैलेरिया अब जाते थे आइनॉक्स में और यहाँ देखते हैं अब कैसा रहता है. ठीक है वाह इतना सुंदर बनाया है साला. लेकिन भाड़ा इतना लेता है कि साला खाते खाते पागल हो जाएंगे इतना बिल बनाएगा. टोटल कितना स्क्रीन है यहाँ. वहाँ तो 4 स्क्रीन है ना. अब इसी में है और कितना देर बचा है. 100 टाइम और 10 मिनट टाइम 10 से 15 मिनट. ये वाला हॉल में हम लोग पहली बार आए थे मल्टीप्लेक्स में. वहाँ का लेकिन रिव्यू अच्छा हमको लगा था देखने में. सारा के लुक भी थोड़ा मोटा बढ़िया बनाया है. अब देखते हैं साउंड सिस्टम इसका कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है पर्दा भी कैसा है. स्क्रीन जाएंगे तो देखेंगे पता चलेगा. चलिए आपको दिखाते कोशिश करेंगे थोड़ा मोटा दिखेगा तो आपको आपको भी बताएंगे. एक कपल भी आया हुआ है यहाँ पर. एक फैमिली आया हुआ है. अरे ये तो केरला स्टोरी तो एडल्ट मूवी है ना तो ये तो फैमिली लोग बच्चा लोग कैसे लेके जा रहे हैं. दूसरा मूवी देखेगा लग रहा है. हम लोग घुस रहे हैं स्क्रीन देख लीजिए. हमारे मोदी जी के स्वच्छ भारत से स्टार्ट. गाइस जब थिएटर से हम लोग निकले ना तो देखे कि सारा माहौल ही बहुत ही ये सब कोई शांत बैठा हुआ था. सबका मुंडी डाउन था लेकिन लग में से बिलीव करिए कि मूवी देख के बहुत गूज बम टाइप का आ गया था. लेकिन इतना अच्छा लगा था और स्पेशली जो कैरेक्टर जो अदा शर्मा का किया हुआ था उनके मम्मी के साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है. और को स्टार भी बहुत ने उन सभी ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है. और आप बोल सकते हैं कि इसको को रिलेट थोड़ा सा कश्मीर फाइल्स के साथ कर सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ झलकियाँ वैसे ही लग रही थी कश्मीर फाइल्स की तरह ही. आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा मूवी और एक बार टाइम ज़रूर जाके देखे और लड़कियों को तो स्पेशली जाके देखना चाहिए. अमिताभ जी सर का पूरा जर्नी यहाँ पर दिखाया गया है जवानी से लेकर बुढ़ापा तक इस पिक्चर में दिखा रहा है.